स्ट्रॉ है, क्या है? और ये क्या है? बटाटा, आलू, पोटैटो। कौन शख्स इसको 30 सेकंड्स के अंदर क्रॉस करके दिखाएगा, पास करके दिखाएगा? नहीं जा सकता, नहीं नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। धारी नहीं है। ये आपके सामने बैठे हैं, इनको आपको चार आदमी मिल करके उठाना है। ये दो उंगलियां ये लेनी है, यहाँ से उंगली लगानी है, इधर से उंगली, हाथ नहीं डालना है, और यहाँ घुटनों के नीचे दो उंगली इधर से, दो उंगली इधर से उठा पाएंगे? देखिए, बेमानी नहीं, ऐसा दो, ऐसे करके दो उंगली मिलाइए, दोनों हाथ, हाँ इस तरीके से उठाइए। गुड, वेरी गुड। मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज करना शुरू करूँगा आप लोगों के लिए, लेट अस सी। देखिए, हम लोग यहाँ पर एक बहुत ही अच्छे मकाम पर मौजूद हैं। मैं चाहता हूँ कि एक स्टूडेंट यहाँ आए, आप आइए। ये स्ट्रॉ है, क्या है? और ये क्या है? बटाटा, आलू, पोटैटो। यहाँ पे आपके पास छुरी भी नहीं है, कोई धारदार चीज़ नहीं है आपके पास। मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूँ, आप इसके पार आर पार कर पाएंगे इसको? कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे। कौन शख्स इसको 30 सेकंड्स के अंदर क्रॉस करके दिखाएगा, पास करके दिखाएगा? एनीबॉडी हु कैन डू इट? कोई भी एक शख्स जो हाथ उठा रहे हैं, आइए स्टेज पे आइए। नहीं जा सकता, नहीं नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। और कोई साहब देखना चाहेंगे? हाँ, कब? थर्टी सेकेंड्स आपके शुरू करें, शुरू करिए। कोशिश करिए, कोशिश करिए, कोशिश तो करिए, कम से कम बहुत से लोग बोल रहे थे कोशिश करेंगे। हो रहा है? और कौन करेगा? आप करेंगे, आइए। धार ही नहीं है सर, बोलिए। धार ही नहीं है सर, मुझे लगा मतलब नोकीला होता है ना, वैसा होगा। हाँ, लेकिन ये स्ट्रॉ है, आपने देखा है, स्ट्रॉ है ये। हाँ बोलिए, जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा सर, ये बहुत पतला है। और कोई, एनीबॉडी एल्स? कम कम क्विकली, टाइम शुरू कर दीजिए। हाँ शुरू कर दीजिए, 30 सेकंड्स। नहीं जा रहा है? नहीं। अच्छा, ओके, इसको रखिए, एक कुर्सी उठाइए, बैठिए। ये आपके सामने बैठे हैं, इनको आपको चार आदमी मिल करके उठाना है। उठा पाएंगे? सिर्फ दो उंगलियों से। कैसे? देखिए, सुनिए, ये दो उंगलियां ये लेनी है, यहाँ से उंगली लगानी है, इधर से उंगली, हाथ नहीं डालना है, और यहाँ घुटनों के नीचे दो उंगली इधर से, दो उंगली इधर से उठा पाएंगे? ट्राई करेंगे, कोशिश, कोशिश। कौन उठा पाएगा? उधर से चार लोग उठा रहे हैं, आ जाइए। दो दो उंगलियों से आपको उठाना है। नहीं नहीं, दो उंगली यहाँ लगानी है बगल में, दो उंगली इधर, दो उंगली यहाँ पर, दो उंगली यहाँ पर, थोड़ा ऊपर उठा करके दिखाइए, गिराइएगा नहीं, सिर्फ दो उंगली लगानी, दोनों हाथ से लगाइए, दोनों हाथ से दो उंगली, ऐसे करके, ऐसे करके दो उंगली। देखिए, बेमानी नहीं, ऐसा दो, ऐसे करके दो उंगली मिलाइए, दोनों हाथ, हाँ इस तरीके से मिलाइए, लगाइए यहाँ पे, हाँ ऐसा कर लीजिए, हाँ हाथ उठाइए। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। क्या हुआ? ये लोग फैसला करके आए थे, उठा के मानेंगे? क्या सोचा? हाँ सर, उठा नहीं।
तो उठाने का फैसला कर गए थे, है ना। आप लोग कितने लोग सोच रहे थे कि उठा पाएंगे कि नहीं? मेजोरिटी सोच रही कि नहीं उठेंगे, है ना, जबकि ये ज़्यादा भारी नहीं है, वरना इससे भी कोई अगर भारी शख्स होता मैं उनको उठाता था। चलिए आप जाइए। इसी तरीके से अभी आप ये बताइए कि ये स्ट्रॉ पार्क हो पाएगा कि नहीं? आप चलिए उठाइए, एक उठाइए कोई सा भी स्ट्रॉ, पोटाटो लीजिए, पतला वाला लिया, छोटा वाला, और बड़ा लीजिए। चलिए इसके बाद नहीं जा रहे, थोड़ा सा गया लेकिन आर पार चाहिए। थर्टी सेकेंड्स में नहीं होगा? नहीं सर। कितना टाइम लगेगा सर? डेढ़ मिनट सर। नहीं जाता है। ओके चलिए, खैर इसको रखिए, स्ट्रॉ निकालिए दूसरा। ये सिर्फ मैं समझता हूँ एक से दो सेकंड के अंदर आर पार हो जाएगा। कैसे? इसको ये हटा दीजिए, हाथ में पकड़िए और इसको सीधा लेकर के पूरी ताकत से इस पर मारिए, मारिए पूरी ताकत से मारिए, विद कॉन्फिडेंस कि जाएगा पार। क्रॉस नहीं हुआ, बट गया सर थोड़ा सा। आज थोड़ा सा गया, जाने में नहीं। दूसरा स्ट्रॉ दीजिए, पूरी ताकत से मारिए, ऊपर से पकड़िए यहाँ से, वरना ये अटक जाएगा आपके हाथ से, पूरा जाएगा ये पार। और इसको ऐसे पकड़िए ताकि आपके हाथ में नहीं लगे। हाँ मारिए पूरी ताकत से। हाँ चलिए, कौन ट्राई करेगा अभी? डेक्स आप ट्राई करिए, जल्दी करिए, जल्दी जल्दी, ये जाएगा पूरा, क्रॉस होगा, जल्दी करिए। नहीं दूसरा लीजिए, दूसरा करिए। मारिए, हाँ गुड, दिखा दिखा नहीं, जरा सा रह गया। चलिए जाएगा मगर, अब आप लगाइए, कौन लगाएगा? जोर से मारिए, देखिए पावरफुल शॉट नहीं जा रहा, इसकी वजह से क्रॉस नहीं हो रहा है। दूसरा दिन, दूसरा दिन, दूसरा दिन, ये करके जाना है आपको यहाँ से। हो गया, हो गया, ओके गुड, जाइए। नाउ ये एक्सरसाइज करने का मकसद क्या था? इसके पीछे आपका कॉन्फिडेंस, आपका जो बिलीफ सिस्टम है उसको झुंझुड़ना मकसूद था। जिस चीज को देख करके आप पहले ही नंबर पे ये कह देते कि ये नहीं होगा या कोशिश करेंगे तो वो काम नहीं होगा, लेकिन जिस वक्त आप कमर बांध करके तय करके आप आते हैं और आप सोचते हैं कि मुझे ये करके ही जाना है तो वो काम आप कर देते हैं। ये इसका मकसद है। जैसे कि यहाँ पे बैठे हुए थे, दो उंगली से चार आदमियों को मिलकर उठाना था, अक्सर के दिमाग में ये था कि ऐसा नहीं उठा सकते, बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जब चार बच्चों ने हिम्मत की और कोशिश करके यहाँ आकर के उन्होंने पूरी ताकत से ये सोच करके उठाना ही है, देयर इज नो वे बैक, तो वो उठा सके। इसी तरीके से ये देखा आपने कि ये चीज़ मुमकिन नहीं लग रही थी, देख करके लोगों ने देख कर टच करके कहा रही तो सॉफ्ट है, ये कैसे क्रॉस होगा, बहुत मुश्किल काम है, वगैरह वगैरह, लेकिन मुमकिन था इसलिए हुआ। कहने मकसद क्या है, देखिए ये बिलीफ सिस्टम जो है ये आपके पीछे बैकग्राउंड में रहता है और इसके हिसाब से आपकी ज़िंदगी चलती है, और बिलीफ सिस्टम बनने के लिए आपकी ये एज जो है ये पुख्तगी को पहुँच रही है। तकरीबन बचपन के 8 से 10 साल की उम्र तक मेजर पार्ट ऑफ योर बिलीफ सिस्टम जो है वो फॉर्म हो जाता है, और जब तक आप 18 से 20 साल की उम्र तक पहुंचते हैं वो पुख्ता हो जाता है, यानी कि आपकी बकिया ज़िंदगी जो माहौल में जिस एक्सपीरियंस से आप गुजरे हैं और जो भी आपका बिलीफ सिस्टम बन चुका है कि ये काम होगा या नहीं होगा, उसी के मुताबिक आपकी ज़िंदगी चलती है। लेकिन ये बिलीफ सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता चेंज भी किया जा सकता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊँ कि पुराने ज़माने में
बहुत पुराने ज़माने में, एंशियंट टाइम में, लोग समझते थे कि दुनिया फ्लैट है। कैसी है? फ्लैट है। सूरज एक साइड से निकलता है, दूसरी तरफ गुरूब हो जाता है, और जहाँ तक इंसान चल सका, तो देखा एक तरफ समंदर आ गया, सूरज उधर डूब गया, इधर गया तो इधर समंदर आ गया, इधर भी सूरज डूब गया। तो इंसान समझा कि बस दुनिया जो है फ्लैट है, इतनी ही है, और सूरज जो है वो इधर से निकलता है, घूमता है, चला जाता है। जब साइंस ने कुछ तरक्की करी तो उसके बाद में वहाँ पे उनको ये एहसास हुआ कि ज़मीन जो है फ्लैट नहीं है बल्कि गोल है, और सूरज उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। ऐसा था, ऐसा चक्कर लगा रहा है। जब थोड़ा और साइंस प्रूफ आगे बढ़ी तो उन्होंने महसूस किया करें कि सूरज अपनी जगह पर ठहरा हुआ है, बल्कि ज़मीन जो है वो अपनी एक्सिस पे घूमते हुए सूरज का चक्कर लगा रही है। ये साइंस ने डिस्कवर किया। यानी पहले जो बिलीफ सिस्टम था वो चेंज हुआ, फिर उसके बाद में जो दूसरा बिलीफ सिस्टम था उसको चेंज किया गया, साइंस ने उसको प्रूफ किया। और अब फर्दर साइंस स्टडीज़ क्या कहती है कि सूरज भी अपनी जगह पर रुका हुआ नहीं है, बल्कि तमाम गैलेक्सीज, तमाम स्टार्स, सब कुछ कायनात के अंदर पूरे तरीके से तैर रहे हैं। गोया कि आपको ये जो बिलीफ सिस्टम है वो वक्त के हिसाब से आपको चेंज करना पड़ता है। अगर आपका जो भी बिलीफ सिस्टम है, लेकिन आपको एहसास अगर होता है कि मेरा बिलीफ सिस्टम थोड़ा सा गलत है और उसको मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपको 10% का टाइम मिलता है। 10% आप कॉन्शियसली अपने आदत को चेंज करके अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ज़रा पहचानिए कि वो क्या चीज़ है। ये क्या चीज़ है? नारियल नहीं है। गौर से देखिए, थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड लीजिए। क्या थे वो? सेब के बीज थे, है ना? इसी तरीके से ये पहचान दिया आपने कि पपैया के बीज हैं, ठीक है। नाउ बीज देख करके क्या आपको समझ में आ रहा था कि ये एप्पल की तरह दिख रहा है या ये एप्पल है? गोया के बीज से आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये एप्पल बनेगा जाकर के। पपैया के बीज भी देख करके, वो पपैया जैसा तो दिख नहीं रहा है लेकिन है पपैया के बीज। अगर उन पपैया के बीज को या एप्पल के बीज को या किसी भी किस्म के फल के बीज को अगर आप मिट्टी में दबा दें और उसको ज़रख़ेज़ ज़मीन में दबा दें और उसमें पानी हवा वगैरह का इंतज़ाम रखें, तो क्या होगा? वो पेड़ बनेगा, और पेड़ बन करके फिर उसमें वो फल आएंगे उसके अंदर। गोया के आप जो है उन दरख्तों को बनने के लिए, अब जितने बीज हैं तो क्या सारे के सारे पेड़ बन जाते हैं? सारे के सारे पेड़ नहीं बन पाते, झाड़ नहीं बन पाते। क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि उनको वहाँ पे वो फर्टाइल लैंड नहीं मिलती है, ज़मीन नहीं मिलती है। अगर वो ज़रख़ेज़ ज़मीन में उनको लगाया जाएगा तो ही वो बड़े होकर के बड़े पेड़ बनेंगे, वरना तो पेड़ नहीं बन सकते। तो आप लोग जो हैं हमारे नज़र में इस वक्त क्या है? बीज। ये बात आपको देख करके कोई नहीं कह सकता कि इसमें कौन एप्पल बनेगा, कौन पपाया बनेगा, कौन आम का पेड़ बनेगा, या कौन क्या बनेगा। मुराद ये है कि कौन आप में से जो है एडमिनिस्ट्रेटर बनेगा, कौन आईएएस ऑफिसर बनेगा, कौन आईपीएस ऑफिसर बनेगा, कौन क्या बनेगा, आपको देख करके आज ये कहना मुमकिन नहीं है। शर्त सिर्फ इतनी है कि अगर आपको फर्टाइल लैंड अगर आपको मिल गई तो आप वो सब कुछ बन सकते हैं जो आपके अंदर छुपा है। और वो फर्टाइल लैंड क्या है आपकी? वो ज़रख़ेज़ ज़मीन क्या है आपकी? यानी बड़ी कोई बताएगा क्या ज़रख़ेज़ ज़मीन है आपके लिए? पढ़ाई, स्टॉफ, और क्या? शौक, तरबियत, बिलीफ सिस्टम। समबडी सेड बिलीफ, बिलीफ सिस्टम। आपका जो बिलीफ है ना, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। अगर आप में वो बिलीफ सिस्टम है और वो चीज डेवलप होती है तो आप वो सब कुछ बन सकते हैं जो आपके अंदर है, और उसके लिए फिर उसी हिसाब से टारगेट तय किए जाते हैं। देखिए, अल्लाह ताला ने आपको इस दुनिया में भेजा है किस मकसद के लिए? किस मकसद के लिए? व्हाट इज द पर्पस? कुरान क्या कहता है? मैंने जिन और इंसानों को अपनी इबादत के अलावा के लिए ही पैदा किया है ना, और किसी मकसद से नहीं। लेकिन क्या इबादत का क्या मतलब है?
और ख़ास तरीके से इंसानों को, मुसलमानों को एक लीडर की हैसियत से भेजा गया है कि वो दुनिया को लीड करें। आपको जो है दुनिया की हर फील्ड में आगे जाना है और अच्छे तरीके से जाना है, जो इस्लामिक तरीका है उस पर जाना है, अपनी अल्टीमेट गोल की तरफ आपको बढ़ना है। और गोल क्या है हमारा, हमारा गोल क्या है? आखरत, आखरत में कामयाबी, दैट इज़ वॉट। यानी कि हमारा सबका गोल क्या है कि हम सब आखिरत में कामयाबी हासिल करें। कामयाबी किस तरीके से हासिल होगी? इस दुनिया में हमें ज़िंदगी इस हिसाब से गुजारना पड़ेगी कि हम अपने गोल तक पहुंच सकें। यानी जो अल्टीमेट गोल है वो आपका ऑलरेडी फिक्स्ड है। अब उस गोल को सामने रखते हुए आपको यहाँ दुनिया की ज़िंदगी में अपने शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स को जो है वो तय करना है कि आपको कहाँ तक पहुँचना है और किस तरीके से पहुँचना है। अब वो सब आपको करना पड़ेगा अपने बिलीफ सिस्टम के थ्रू। जब आपका बिलीफ सिस्टम सही होगा तब आप कर पाएंगे। अब हालांकि कामयाबी जो है हर शख्स हासिल करना चाहता है। सब लोग कामयाब होना चाहते हैं? कामयाब होना चाहते हैं कि नहीं? अब कामयाब होना चाहते हैं तो कामयाबी किस तरीके की कामयाबी? आजकल सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं, पैसा ज़्यादा से ज़्यादा कमा लें, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ले लें, किसी भी तरीके से कमा लें, कोई ऐसी पोजिशन ले लें, कोई ऐसा बिजनेस कर लें कि हमें पैसा हासिल हो जाए। पैसा इज़ नॉट ए सेकेंडरी थिंग। देखिए कामयाबी का मतलब क्या है कि इट इज़ डिवाइडेड इनटू सिक्स पार्ट्स। जो आपको बैलेंस्ड कामयाबी जो है वो जाहिर होगी जब आप उन छह एरियाज में बैलेंस तरीके से कामयाबी को हासिल करेंगे। वो क्या क्या एरियाज हैं? जो छह एरियाज हैं आपकी ज़िंदगी में जो आपको कामयाबी दिलाएंगे, यानी कि आपको कामयाब होना है, उसमें आपकी फैमिली है, आपकी हेल्थ है, आपकी पढ़ाई है, आपकी स्पिरिचुअलिटी है और आपके फाइनेंस है। ये तमाम चीज़ें उसमें आपकी आती हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा अहम चीज़ हिदायत, यानी अगर आपके पास हिदायत है तो आप राह रास्ते पे रहेंगे। वरना अगर आपने बहुत ज़्यादा पैसा भी कमा लिया और हिदायत आपके पास नहीं है तो वो आपके लिए बात से जहमत हो जाएगा। कैसे? जब पैसा ज़्यादा होगा और हिदायत नहीं होगी तो आप उसको फजूल खर्ची में उड़ाएंगे, अय्याशी में उड़ाएंगे, गैर ज़रूरी काम करेंगे, फजूल के काम करेंगे। लेकिन अगर आपके पास हिदायत है तो आप उसी पैसे को बहुत ही कंस्ट्रक्टिव तरीके से इस्तेमाल करेंगे, कुछ कंस्ट्रक्टिव काम करेंगे, स्कूल्स, मदारिस, हॉस्पिटल्स ये खोलेंगे, चैरिटी करेंगे, तालीम और तरबियत का बेहतरीन इंतज़ाम करेंगे, लोगों को नफा बख्श बनेंगे आप, तो उससे फ़ायदा ये होगा। यानी सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए हिदायत, और उसके बाद में फिर क्या होना चाहिए नंबर दो पे? आपकी सेहत, हेल्थ। यानी कि अगर हेल्थ नहीं है तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। यानी आपको हेल्दी भी रहना है, जंक फूड से और दूसरी चीज़ों से, ऐसे कामों से बचना है जिसमें आपकी हेल्थ ख़राब होती है। और नंबर तीन पे क्या चीज़ आती है आपकी? फैमिली। यस, वरना होता क्या है कि लोग जो है दुनिया कमाने के चक्कर में फैमिली को भूल जाते हैं कि फैमिली हमारी कहाँ है। तो फैमिली के लिए बराबर वक्त निकालना, उनको वक्त देना, बच्चों के, बीवी के, माँ बाप के, सबके हुकूक अदा करना, ये हमारा प्राइमरी फ़र्ज़ है, ताकि हम जो है अपने बैलेंस तरीके से उसको हल कर सकें। उसके बाद में फिर आपका करियर आ जाता है, यानी कि आपको बनना क्या है उसके लिए वक्त निकालना है। फिर इसके बाद में आपका फाइनेंस, पैसा, वो चीज़ आती है। और साथ ही में आता है मेंटल, यानी कि एजुकेशन, कीप ऑन लर्निंग, यानी अपनी नॉलेज को हासिल करना और उसको आगे बांटना, बढ़ाना, लोगों को देना, वो आपके सामने आ जाता है। तो ये छह एरियाज ऐसे हैं जिसमें आपको मुकम्मल तौर पे बराबरी के साथ में आपको आगे बढ़ना है और इसमें जो है कामयाबी हासिल करनी है। देखिए कामयाबी हासिल करने के लिए बहुत से फंडे हैं, और चूंकि आप तो माशाल्लाह मदनी स्कूल के तालिब इल्म हैं और आपके साथ में जो है एक माशाल्लाह इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर और रहबर और गाइड, करियर गाइडेंस काउंसलर, सभी कुछ आमिर सर आपके पास मौजूद हैं, तो वो तो आपको बताते ही रहते हैं। लेकिन फिर भी जो चीज़ मैंने देखा है और समझा है थोड़ा सा वो आपसे शेयर करता हूँ कि जैसे अगर किसी भी चीज़ को हासिल करना है तो उसके पीछे लॉट ऑफ हार्ड वर्क है, डेडिकेशन और स्मार्ट वर्क है, यानी कि स्पेसिफिक तरीके से। मोहम्मद अली का नाम आपने सुना होगा, बॉक्सर थे, ग्रेट लीजेंड मोहम्मद अली। उनका कहना ये था कि जब वो रिंग में फाइट करने के लिए जाते थे तो वो कहते थे आई एम द चैम्पियन आई एम द विनर। वो अपने आप को साइकोलॉजिकली साइक करते थे कि आई एम द चैम्पियन, आई हैव टू परफॉर्म सो गुड कि नोबडी कैन बीट मी। और उसका असर सामने अपोनेंट पे ये पड़ता था कि वो थोड़ा सा डर जाता था। लेकिन ये जब वो कहते थे आई एम द बेस्ट, आई एम द चैम्पियन,
उसके पीछे क्या रास है, क्या क्यों कहते थे वो, जहाँ तक वो अपने आप को साइकोलॉजिकली तैयार करते थे वहीं वो अपने घर में बैठ करके ये टीवी नहीं देखा करते थे या घूमने फिरने की बातें नहीं करते थे, बल्कि वो अपने घर में जब प्रैक्टिस करते थे, रिंग में रहते थे, तो ही विल कीप ऑन किकिंग द बॉक्स और अपने आप से कहते थे कि आई एम द बेस्ट, आई एम द चैम्पियन, आई एम द बेस्ट, आई एम द चैम्पियन। वो स्पिरिट और वो डेडिकेशन जो था उनको आगे ले जाता था, और जब वो थक करके बैठ जाते थे तो वो बताते हैं कि जब मैं बैठ जाता था, थक जाता था, तो मैं सोचता था कि नहीं, मेरा अपोनेंट जो है वो अभी भी प्रैक्टिस कर रहा था, तो वो फिर उठ करके और फिर प्रैक्टिस शुरू कर देते थे। गोया के पूरा एग्जॉस्ट होने के बाद भी लिटिल एक्स्ट्रा, थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस उनको जो है मार्जिन दिला देती थी। इसी तरीके से माइकल फेल्प्स का नाम सुना होगा आपने, ग्रेट स्विमर, जिन्होंने बीजिंग में 2008 में 8 गोल्ड मेडल्स हासिल किए स्विमिंग में अकेले ओलंपिक्स में। ओलंपिक में तो एक कंट्री अगर एक गोल्ड मेडल हासिल कर ले तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। उन्होंने मार्क स्पिट का रिकॉर्ड किया, उनके पास 7 गोल्ड मेडल्स थे मार्क स्पिट के पास में। वो उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किया बीजिंग के ओलंपिक्स में। मार्क स्पिट ने 1968 में मुनिच में उनका जो था वहाँ पर उन्होंने 3 गोल्ड मेडल्स जीते, और उसके बाद में 1972 मैक्सिको में जो ओलंपिक्स हुए वहाँ पर उन्होंने 7 गोल्ड मेडल्स जीते। तो तमाम जर्नलिस्ट जो थे उनके पास गए और उनसे कहने लगे कि आज तो आपका बहुत लकी डे है, यू हैव वन 7 गोल्ड मेडल्स। कहने लकी डे, व्हाट डू यू मीन लकी डे? कहने मैंने लास्ट ओलंपिक्स में 3 गोल्ड मेडल जीते थे और उसके बाद मैं खुश तो हुआ 3 गोल्ड मेडल, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि मैं ज़्यादा जीत सकता हूँ, लेकिन उतने नहीं जीते थे मैंने। तो मैंने इन 4 सालों में 10,000 आवर्स, 10,000 घंटे प्रैक्टिस किया है। कितना? 10,000 आवर्स, 10,000 घंटे, यानी 4 साल में 10,000 घंटों के अगर आप डिवाइड करेंगे तो पर ईयर कितना आ गया, एक साल में कितने घंटे हो गए, 2,500 घंटे। 2,500 को फर्दर आप डिवाइड करेंगे पर डे के हिसाब से तो इट कम्स टू अराउंड 8 आवर्स पर डे। 8 घंटे पर डे उस शख्स ने स्विमिंग की प्रैक्टिस की 4 साल, तब उसने बीट किया। उनका कहना था कि 8 घंटे अगर आप पानी में रहेंगे आपकी बॉडी श्रिंक हो जाएगी, ना कि वो 8 घंटे डेली 4 साल तक मुस्तकिल मेहनत की उस शख्स ने और जो था उन्होंने गोल्ड मेडल्स हासिल किए। कहना व्हाट लक, लक इज नथिंग बट योर हार्ड वर्क इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन विद ए गोल, विद ए गोल दे आर वर्किंग सो हार्ड। इसी तरीके से उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप कोई चीज़ हासिल करना चाहते हैं तो आपको उसके अंदर अपना तन मन धन सब कुछ लगाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको अपना टारगेट, अपना गोल जो है वो सेट करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने बताया कि हमारा अल्टीमेट गोल जो है आखिरत में कामयाबी है, उसके बाद में दुनिया के हिसाब से आपको जो डिफरेंट तरीके के एक्सपोजर्स मिले हैं कि आपको डॉक्टर्स बनना है, इंजीनियर बनना है, पायलट बनना है या जो भी बनना है आपको, उस हिसाब को सामने रख करके यू हैव टू कम टू द शॉर्ट टर्म गोल्स, और इमीडिएटली गोल आपके सामने है आपका SSC का एग्ज़ाम। यानी कि आपको एक सिस्टमेटिक वे, एक प्लान वे के अंदर इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और इसमें आपको आगे जाना है और कामयाबी हासिल करनी है, ताकि आपका अपने गोल की तरफ एक कदम कामयाबी के साथ में आगे बढ़ सके। यहाँ पर जैसे अभी तकरीबन 70 स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर 70 स्टूडेंट्स हैं, तो ये भी मैंने बताया कि हर बीज बड़ा पेड़ नहीं बनेगा, बड़ा पेड़ वही बनेगा जो फर्टाइल लैंड में बोया जाएगा, यानी जिसकी ज़मीन जरखेज़ होगी वही झाड़ जो है ग्रो होकर के ऊपर जाएगा। इसी तरीके से जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, इट डिपेंड्स अपॉन योर रिस्पॉन्स। E+R=O, ई स्टैंड फॉर इवेंट। ये जो इवेंट हो रही है वो सबके लिए कॉमन है, सबके लिए बराबर हो रही है। इसी तरीके से क्लास में जो पढ़ाई होती है सबके लिए कॉमन होती है, एक टीचर है सबको एक्सप्लेन करता है। रिस्पॉन्स जो है वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट वैरी करता है, कौन स्टूडेंट कितना समझ रहा है, कितना सीरियसली ले रहा है, कौन जो है जमाई ले रहा है, किसी का दिमाग फिजिकली यहाँ है, दिमाग जोगेश्वरी में है, ये डिपेंड करता है रिस्पॉन्स पर्सन टू पर्सन।
और जितना आपका रिस्पांस आएगा, इवेंट सबके लिए बराबर एक सी हो रही है, लेकिन रिस्पांस वेरी होने की वजह से उसका आउटपुट जो है वो चेंज हो जाएगा, होगा कि नहीं? इट्स अ मैथमेटिकल फार्मूला, सिंपल फार्मूला। तो गोया कि आप जो भी चीज़ अटेंड करें आपके रिस्पांस के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप उसको कितना समझ रहे हैं, कितना फॉलो करते हैं और फिर कितना उसको अप्लाई करते हैं अपनी ज़िंदगी में, और तभी आप जो है उसमें आप अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल कर पाएंगे। और इसीलिए मैं कहता भी हूँ कि नोइंग इज़ नोइंग एंड डूइंग इज़ डूइंग, एंड देर इज़ अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन नोइंग एंड डूइंग। जानना जानना है और करना करना है, और जानने और करने के बीच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ओके, इसके साथ ही बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह खैर, और थैंक यू।